नमस्कार दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे HTML के इस पैन टैग के बारे में। तो सबसे पहले, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट के लिए कुछ बेसिक स्टाइल्स हम अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि हमारा आउटपुट कुछ अच्छी तरह से दिखे और आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये मैंने कुछ बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। जो भी मैं मेरे डॉक्यूमेंट में ड्यू टैग्स लूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। जो भी मैं स्पैन टैग्स लूँगा, उसे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। जो मैं पैराग्राफ टैग लूँगा, उसकी फॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिकली 25 पिक्सल हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये बेसिक स्टाइलिंग पहले से ही इंटरनल सीएसएस में अप्लाई करके रखी है। तो हम हमारे बॉडी में कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले लिया ड्यू। ड्यू के अंदर मैं एक हेडिंग लूँगा, ए ले लिया H2, एक हेडी। मैं यहाँ पर कुछ नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने मेरा नाम डाल दिया। मैं हर एक लेटर को अलग अलग लाइन पे ले रहा हूँ, क्योंकि आपको स्पैन टैग समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये स्पैन टैग समझने के लिए आसानी हो जाए, इसलिए मैंने सब एक एक लेटर अलग अलग लाइन को लिया है। इसका हम अभी पहले आउटपुट देख लेते हैं दोस्तों। ये आ गया हमारे उस बॉडी का आउटपुट। तो देखिए, हम इसमें कुछ एक पैराग्राफ टैग डाल देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम यहाँ पर डमी टैग कुछ डेटा लेंगे। ये हमने ले लिया डमी डेटा, इसका आउटपुट जान लेते हैं। ये रहा हमारा आउटपुट। तो अब हम जाएंगे इस पैन टैग की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मुझे इन लेटर्स को अलग अलग कलर अप्लाई करना है, लेकिन मुझे ये हेडिंग में ही रखना है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि मुझे इन हर एक लेटर को अलग अलग कलर अप्लाई करना है, जैसे कि P को आ गया रेड, R को आ गया ब्लू, ऐसे ही हर एक के तक मुझे अलग अलग कलर अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए हमें स्पैन टैग यूज़ करना है। देखिए, आपको स्पैन टैग समझने में आसानी हो, इसलिए हम अलग अलग लाइन को एक एक लेटर ले रहे हैं। ये आ गया पी। पी को हम यहाँ पर कलर अप्लाई करेंगे। तो हम इस पैन टैग के लिए कुछ इनलाइन सीएसएस का उपयोग करेंगे। इनलाइन सीएसएस हम स्टाइल टैग में लिखते हैं। तो यहाँ पर देंगे हम कलर रेड। ठीक है दोस्तों, तो अब पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम जो भी स्पैन टैग लेंगे इस बॉडी के अंदर, तो उसे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज इसकी 60 पिक्सल कर दी है, और मैंने यहाँ पर स्पैन टैग लिया है, तो ऑटोमेटिकली इस पी की फॉन्ट साइज 60 पिक्सल हो जाएगी, और उसको टेक्स्ट शेडो 3 पिक्सल बैक ब्लैक आ जाएगा। तो हम अब आउटपुट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको 3 पिक्सल की शेडो आ गई है और उसका फॉन्ट साइज 60 पिक्सल हो गया है। तो हम इसी तरह से आगे भी सभी लेटर्स को स्पैन टैग की मदद से अलग अलग कलर अप्लाई कर देते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। यार, हम यहां से डिलीट करके यहां पर लिख देते हैं। ए का कलर हम कर देते हैं येलो। टी का कलर हम कर देंगे ग्रीन। ग्रीन आई का कलर हम कर देंगे आई का कलर हम कर देते हैं स्काई ब्लू। और के का कलर हम कुछ कर देते हैं पिंक। के का कलर हम कर देंगे पिंक। ये हमने डीप पिंक कर दिया।
देखिए दोस्तों, अब हमने स्पैन टैग की मदद से हर एक लेटर का कलर चेंज कर दिया है। जैसे कि पी का आ गया रेड, आर का आ गया ब्लू, ए का आ गया येलो और यहाँ टी का आ गया ग्रीन। ये टी हम स्पैन टैग के अंदर लिख देंगे। टी का आ गया ग्रीन, आई का आ गया स्काई ब्लू और के का आ गया डीप पिंक। तो हम आउटपुट देख लेते हैं दोस्तों। ये आ गया हमारा आउटपुट। जैसे कि आपने अब इस ट्यूटोरियल में देखा कि हमने कैसे स्पैन टैग की मदद से इस हेडिंग का हर एक लेटर का कलर अलग अलग सेट कर दिया है। तो यही है स्पैन टैग का यूज़। हम किसी भी टैग्स के अंदर स्पैन टैग को लिख सकते हैं। जब भी हमें किसी लेटर का कलर या कुछ अलग से स्टाइलिंग उस लेटर को या फिर किसी स्पेसिफिक वर्ड को अप्लाई करना है तो हम स्पैन टैग का उपयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस स्पैन टैग के बारे में आपको इस ट्यूटोरियल में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।